A wildfire engulfed forest areas along the line of control in Rajouri district of Jammu and Kashmir and damaged tons of timber. With the gust of strong winds, the fire soon spread across the jungle, destroying vegetation, several trees and killing a few birds along the LOC in the Keri sector of Rajouri district. में आग फैली हुई है और कल से हम जा रहे हैं, हमारे साथ आर्मी भी काम कर रही है और वो पानी शानी भी हमें दे रहे हैं। खजूले के ऊपर जो टैक एरिया है उसमें भी आग लगी है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस आग से? नुकसान तो बहुत हो रहा है, परिंदे जिंदे जो भी जल रहे हैं और ये जो महाराज जो है झाड़ी शाड़ी वगैरह ये भी खत्म हो गई है। लोकल सेड द नियर बाय विलेजर्स एंड हाउसेस हैड अ नैरो एस्केप। द रेसिडेंट्स अलोंग विद आर्मी पर्सनल ट्राइड टू डाउस द फ्लेम्स एज फायर एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स अराइव्ड लेट। फॉरेस्ट वर्क को यहाँ पे आना चाहिए, उनको देखना चाहिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे देखना चाहिए कि जंगल जल रहा है, बाकी लोग जो है किस तरह नुकसान कर रहे हैं इसको। ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो है उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। According to local reports, the fire has led to explosion of at least 20 landmines. Such fires are sometimes instigated to let intruders infiltrate across the border. Correspondent Abdul Jabbar from Rajouri for ANI.